वैसे तो दाल आपने बहुत वैरायटी की खाई होगी, बट क्या होता है कभी-कभी हम जल्दी में रहते हैं, हमारे पास टाइम कम होता है और हमें जल्दी से कुछ बनाना होता है। तो आप ये दाल चावल की रेसिपी बहुत जल्दी से बन जाती है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। सबसे पहले मैंने दाल बनाने के लिए 1 कप मसूर दाल ले लिया है, 1 कप येलो दाल ले लिया है जिसे हम तूर दाल भी कहते हैं, और इसको मैंने कुकर में ही अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। अच्छे से वॉश जब ये हो जाए तो फिर मैं इसमें 1 कटा हुआ प्याज, 1 कटा हुआ टमाटर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद के लिए नमक, इन चीज़ों को ऐड कर दूंगी। इन मसालों को ऐड करने के बाद मैं इसमें पानी दे दूंगी। पानी देने के बाद आप इसे कुक होने के लिए 5-6 विशल तक छोड़ दें। दाल है तो जल्दी कुक हो जाएगी, तो आप 4-5 विशल तक ही छोड़ दें। फिर जब ये अच्छे से देखोगे आप, विशल होने के बाद ये कुक हो जाएगी। कुक होने के बाद मैं इसमें बस तड़का लगाऊंगी, क्योंकि ये काफ़ी झटपट वाली दाल बनेगी। तो आप जब देखोगे तो टमाटर के छिलके उतार भी सकते हो और रहने भी दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी। अगर दाल गाढ़ी हो जाए तो उसमें थोड़ा पानी ऐड कर लो। फिर मैंने क्या किया है, एक तड़का वाला बर्तन लिया है, उसको गर्म होने चढ़ा दिया है। उसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच सरसों का तेल, आप चाहे तो घी में भी तड़का लगा सकते हो। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच जीरा, 1 खरी लाल मिर्च, थोड़ा सा हींग और चॉप किया हुआ लहसुन। आपको ध्यान रखना है जब ये सब अच्छे से चटक जाए, लहसुन अच्छे से चटक जाए, फिर हम इसे दाल में तड़का के रूप में लगाएंगे। तो फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च, वो भी फ्लेम ऑफ करने के बाद, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो फिर अब इस तड़के को मैं लगाऊंगी दाल में और ऊपर से गार्निश कर दूंगी फ्रेश हरी धनिया पत्ती से, और ये दाल तड़का बिल्कुल तैयार है। तो है ना बहुत ही इजी रेसिपी और बनाने में बहुत ही आसान। तो ये 1 पॉट दाल तड़का की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। इसे गर्मा गर्म आप राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।